Welcome to our YouTube channel Study Way. In this video, we will discuss top 20 questions for NEET from class 12th Biology chapter 7, 11, Evolution. You can give full quiz on our website. Link is mentioned in description. First question is P plus me Q plus square is equal to P plus square plus me 2 P Q plus me Q plus square is equal to 1. एक इक्वेशन है, आप सोच रहे होगे मैथ की इक्वेशन बायो में कैसे है। ये एक इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है किसको, पॉपुलेशन जेनेटिक्स को। पॉपुलेशन का डाटा है इस इक्वेशन से। इसके बेस पर हम देखेंगे वेनबर्ग के प्रिंसिपल पर, आगे हम रूल भी देखेंगे, कई सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है फॉशियस आर जनरली फाउंड इन, फॉशियस मेनली कहाँ मिलते हैं। फॉशियस जनरली मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉशियस जनरली हमें मिलते हैं। ए बायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ ओरिजन सपोर्ट, जो ए बायोजेनेसिस थ्योरी होती है ओरिजन की, वो किस सपोर्ट करती है, स्पॉन्टेनेजेनेशन को, या फिर लाइफ ब्लू ग्रीन एलगी से ओरिजन हुई है इस बात को, या फिर लाइफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से इस बात को, या फिर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है इस बात को। तो ए बायोजेनेसिस जो थ्योरी होती है लाइफ की, वो ये कहती है कि ऑल लाइफ बिगेन एज इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट रिकम्बाइन इन वेरियस फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ एनर्जी इनपुट। क्या है कि सारी की सारी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एग्जिस्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब एक पर्टिकुलर वे में रिकम्बाइन होते हैं या फिर एनर्जी इनपुट होता है, एनर्जी लगती है, तो ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कम्बाइन होते हैं, ठीक है। ये जो वेरियस फॉर्म्स हैं जनरली कोलेस इनटू ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल विच में हैव यूज द अदर मॉलिक्यूल क्रिएटेड बाय ए बायोजेनेसिस टू बिगेन फॉर्मिंग लाइफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर सच एज द सेल। तो जो ए बायोजेनेसिस थ्योरी है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कंबाइन होते हैं और उनमें एनर्जी कुछ ना कुछ एज अ रिजल्ट सम एनर्जी इज इनपुट, ठीक है। तो ये वाली थ्योरी जो थी वो किस चीज को सपोर्ट कर रही थी, स्पॉन्टेनेजेनेशन को। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिकम्बाइन होकर लाइफ को कंटिन्यू रखते हैं, ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है। फर्स्ट लाइफ फॉर्म्ड कहाँ हुई थी, सबसे पहले लाइफ कहाँ पर मिली थी, लैंड पर, एयर में, या फिर वाटर में, या फिर ऑल ऑफ दी। सबसे पहले जो लाइफ थी वो हमें पाई गई थी वाटर में, तो सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज वाटर। फिफ्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है आपको करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स ऑफ पैलियोजोइक ईरा इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जो भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल का ग्राफ होता है उसमें असेंडिंग ऑर्डर में डालना है, मतलब आपको नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक आपको बताना है इस ऑर्डर में पैलियोजोइक ईरा जो है उसके पीरियड्स को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए अब हम ये देखते हैं, तो पहले है कैम्बियन, ऑर्डोवेशियन, साइलूरियन, पैलियोजोइक में अर्ली में आ जाते हैं कैम्बियन, ऑर्डोवेशियन, साइलूरियन, ठीक है। फिर उसके बाद लेट में आते हैं डेमोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ठीक है। फिर ट्राइएसिक, जुरासिक, वो तो मीजोजोइक में आ जाते हैं, क्रिटेशियस, पैलियोजोइक, ठीक है। तो हमारा जो वे सीक्वेंस आएगा वो ये आएगा, कैम्बियन, ऑर्डोवेशियन, साइलूरियन, डेमोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ये हमारा सीक्वेंस आएगा पैलियोजोइक ईरा का। पैलियोजोइक ईरा का जो सीक्वेंस है कार्बियन, कैम्बियन, ऑर्डोवेशियन, साइलूरियन, डेमोनियन, कार्बोनिफेरस, या फिर परमियन, ठीक है, ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन है द डेमोनियन पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी, डेमोनियन पीरियड हमें किस लिए कहा जाता है, डेमोनियन पीरियड फिशीज वाले को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को, या फिर मैमल्स को। डेमोनियन पीरियड कहा जाता है एज ऑफ द फिश, फिश की एजेस वाले जो पीरियड को हम डेमोनियन पीरियड कहते हैं, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस वाज अबाउट, होमो इरेक्टस जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी है, 650 सीसी, 900 सीसी, या 1500 सीसी, या 1400 सीसी। तो कितनी है उनकी, 900 सीसी ब्रेन कैपेसिटी,
ठीक है। एट है, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी कौन देता है, किसने दी थी, लेमार्क ने, अल्बर्ट वैलेस ने, चार्ल्स डार्विन ने, या फिर और पेरिन और हेल्डेन ने। जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी वो किसने दी थी, वो दी थी चार्ल्स डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो थी वो कहती क्या थी कि नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन करता है कि कैसे जेनेटिक ट्रेट जो होते हैं वो मे चेंज ओवर टाइम, कि जो भी जेनेटिक करेक्टर होते हैं वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी चेंज होते हैं। ठीक है, जेनेटिक ट्रेट चेंज होंगे, ठीक है, और इससे क्या होगा, एक न्यू स्पीसीज ओरिजिनेट होगी। न्यू स्पीसीज ओरिजिनेट होगी यानी कि न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कहलाया जाएगा स्पेशिएशन। ठीक है, स्पेशिएशन कहलाया जाएगा न्यू स्पीसीज का फॉर्म होना। जेनेटिक ट्रेट चेंज होते रहते हैं, उसके बाद न्यू स्पीसीज ओरिजिनेट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेशिएशन आपके प्रोसेस। ठीक है, एट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से, यही बात का हमारा चार्ल्स डार्विन। नाइन्थ क्वेश्चन आएगा हमारा, द साइंटिस्ट हु डेमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट दैट लाइफ कम ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से जो न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू लाइफ आती है, न्यू लाइफ के फॉर्म्स आते हैं, ये किस साइंटिस्ट ने डेमोन्स्ट्रेट किया था, ये डेमो लूज पास्टर ने, कि प्री एग्जिस्टिंग पहले जो एग्जिस्ट हो रहे हैं, पहले जो ऑर्गेनिज्म से न्यू लाइफ ओरिजिनेट होती है, ये बात कही थी लूज पास्टर ने। टेंथ क्वेश्चन है, नेम द इंग्लिश साइंटिस्ट हु प्रपोज द सेम आइडिया दैट वाज साइंस प्रपोज बाय द रशियन साइंटिस्ट। ठीक है, ऐसा दो इंग्लिश साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने सेम आइडिया जो प्रपोज किया था, जो एक पहले कभी रशियन साइंटिस्ट प्रपोज कर चुका था, तो वो जो साइंटिस्ट है वो है हेल्डेन। ठीक है, और पेरिन और हेल्डन ने लाइफ की थ्योरी को ओरिजिनेट किया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइफ है वो ओशियंस में होती है, ठीक है, और वो जब क्या होता है कि जब एटमॉस्फेयर में रिड्यूसिंग एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो लाइफ जो होती है वो सब ओशियन में स्टार्ट होने का रीजन यही है कि रिड्यूसिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, बट वहां पर रिड्यूसिंग सब्सटेंस कभी भी फ्री एयर नहीं, ऑक्सीजन नहीं होती है। हेल्डन और ओपरेन ने ये कंसेप्ट को प्रपोज किया था। ओके, इलेवेंथ क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ द गिल्स लीव्स इन द एम्ब्रियो ऑफ वर्टिब्रेट सपोर्ट द थ्योरी ऑफ, वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में गिल्स लीव्स की प्रेजेंस होना वो किस थ्योरी को सपोर्ट करता है, गिल्स लीव्स का प्रेजेंस होना वो भी एम्ब्रियो के वर्टिब्रेट में, वो थ्योरी कौन सी थी, वो थ्योरी थी रिकैपिटुलेशन थ्योरी। 1886 में ने प्रपोज करी थी, ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो डेवलपमेंट सेम डायरेक्शन में होता है जैसे जैसे स्पीसीज का एवोल्यूशन पास होता है। ठीक है, मतलब पहले जो स्पीसीज थी उसका जिस जिस वे में क्या होगा कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ होगा वैसे ही इनका होता है। तो एम्ब्रियो के बारे में जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की थ्योरी थी वो मेनली यही तो थी, गिल्स लीव्स और एम्ब्रियो की जो थ्योरी थी वो किसने प्रपोज करी थी, वो प्रपोज करी थी रिकैपिटुलेशन थ्योरी अर्नेस्ट हैकर ने। ओके, आगे 12th क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर लोकस पर एनील ऑफ फ्रीक्वेंसी ए इज 0.6 और दैट ऑफ एलियो फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए इज 0.4, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट इन ए रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन। तो आपको जैसे हमारा पहले जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, न्यूमेरिकल आपको करवाया गया था, तो उसमें हमें यही तो बताया था कि आपको अगर ऐसे दिया है तो ये आता है 1। अब a का स्क्वायर करेंगे, a की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0.6, ठीक है, और जो स्मॉल a की वैल्यू है वो है 0.4। अब यहाँ पर आप a का स्क्वायर करोगे तो आपको आ जाएगा 0.36, 6 is 36, ठीक है, और ये आ जाएंगे 0.16। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट ऑन करनी है, 0.36 प्लस 0.16 प्लस, ये आप छोड़ दीजिए क्योंकि हमने हेटेरोजाइगोट की कंडीशन ही निकालनी है, तो 1 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये हमारा आ जाता है 2, 6 and 7,
एक मिनट, सॉरी मैंने गलत कर दिया। यहाँ पर एक 5.052 आ गया, ठीक है। तो अब आप यहीं पे छोड़ दीजिए, तो आप 1 माइनस में 0.4252 करोगे तब आपके पास आंसर आएगा 0.48। तो 0.48 हमारा रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी हमारी आएगी 0.48। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 0.48 होगा। थैंक यू। ठीक है, उसके बाद हमारा 13 क्वेश्चन है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल किसे एक्सप्लेन करता है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो था उसने एक्सप्लेन किया था मेनली जेनेटिक इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट को, ठीक है, क्योंकि इसने ये वाला जो हमने न्यूमेरिकल किया एक स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फिर उसने क्योंकि होल स्क्वायर की रेशियो, वो वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बेस पर था। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ बटरफ्लाई की जो विंग्स होते हैं वो कौन से ऑर्गन है, वो कौन से ऑर्गन है, वेस्टिजियल, एनालोगस या फिर होमोलोगस। सॉरी, एनालोगस ऑर्गन है वो बी। एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, एनालोगस ऑर्गन फर्स्ट ऑफ ऑल होमोलोगस ऑर्गन के जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है, सिमिलर फंक्शन होता है बट डिफरेंट ओरिजन होता है। देखो, एन एग्जांपल ऑफ एनालोगस स्टेट विल बी द विंग ऑफ इंसेक्ट, बैट एंड बर्ड्स दैट हैव इवॉल्व इंडिपेंडेंटली इन ईच लिंकेज सेपरेटली आफ्टर डाइवर्जिंग फ्रॉम द एंसेस्टर विदाउट विंग। मतलब ये क्या हो रहे हैं कि जैसे कि इनका क्या होता है, सिमिलर तो होता है फंक्शन बट डिफरेंट ओरिजन होता है। अब विंग्स है, ठीक है, अब स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, तो स्ट्रक्चर जो होगी इनकी सेम होती है, ठीक है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है, तो ये एनालोगस ऑर्गन के अंदर आते हैं। ओके, होमोलोगस ऑर्गन क्या इंडिकेट करते हैं, अडेप्टिव कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट, अडेप्टिव रेडिएशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन। होमोलोगस ऑर्गन जो होते हैं वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाते हैं। होमोलोगस ऑर्गन में ऑर्गन होते हैं जिनकी सिमिलर स्ट्रक्चर होती है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है। होमोलोगस वो होते हैं जिनकी सिमिलर तो होती है स्ट्रक्चर सिमिलर बट फंक्शन डिफरेंट, यही होता है ना, ये होते हैं होमोलोगस। और जो एनालोगस होते हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है बट फंक्शन सिमिलर होता है, एक जैसा ही फंक्शन होता है। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि ये विंग वाले का जो फंक्शन था वो सेम था, विंग की स्ट्रक्चर अलग अलग थी बर्ड्स बटरफ्लाई के और बर्ड्स के, लेकिन उनका फंक्शन सेम था, सिमिलर फंक्शन था, यहाँ पे लिखा है सिमिलर फंक्शन था बट डिफरेंट स्ट्रक्चर थी उनकी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, पहले तो अब हम होमोलोगस का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो होमोलोगस में यही होता है कि सिमिलर तो होती है स्ट्रक्चर बट फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। द एवोल्यूशन ऑफ एप्स एंड ह्यूमंस फ्रॉम कॉमन प्राइमेट एंसेस्टर इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में होमोलोगस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर इंडिकेटेड स्पीसीज डाइवर्जिंग फ्रॉम इट्स एंसेस्टर। यहाँ पर एक ऐसी स्पीसीज होती है जो कि एक एंसेस्टर से डाइवर्ज हो रही है। ये जो स्ट्रक्चर होती है इनमें सेम फंक्शन नहीं होता जो स्पीसीज एंसेस्टर में होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन के अगर फॉलिम की बात करो और बैट के फॉलिम की बात करो, ये होमोलोगस है, ये क्या है, होमोलोगस है। तो इनमें क्या है, देखो आप अगर मतलब इनके फॉलिम का फंक्शन सेम है, नहीं, ह्यूमन के जो फॉलिम है उनका फंक्शन अलग है, ठीक है, और बैड के जो फॉलिम है उनका फंक्शन अलग है। तो सेम एंसेस्टर से अराइज होने के बावजूद भी उनका जो फंक्शन है उनके फॉलिम का वो डिफरेंट है। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है कि ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। ओके, आगे, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में होना ही किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। देखो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होती है अगर वो डेवलप हो गई है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर डेवलप हो गई है तो क्या होगा कि बैक्टीरिया के पास
इतनी ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी, मतलब वो अपनी ससेप्टिबिलिटी खत्म कर लेगा बैक्टीरिया जो भी जहां पर उसने एंटीबायोटिक एजेंट के अगेंस्ट वो अपनी ससेप्टिबिलिटी खत्म कर देते हैं। एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म के पास इतनी एबिलिटी हो गई है कि वो किसी भी एंटीबायोटिक के इफेक्ट को रोक सकता है। जेनेटिक मैकेनिज्म डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सिंस दे रिजल्ट इन बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन दैट लेटर सर्टेन बैक्टीरिया सेल प्रॉपर्टीज दैट नॉर्मली रेंडर द सेल सेंसिटिव टू एन एंटीबायोटिक लाइक इनएक्टिवेट्स द ड्रग अल्टरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब बैक्टीरिया ने अपने आप को किसी भी एंटीबॉडी के अगेंस्ट अपने आप को म्यूटेट कर दिया। बैक्टीरिया ने क्या कर दिया कि उसे पता है कि मुझे ये एंटीबायोटिक मिलेगी, ठीक है, तो अब उसने इस एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए अपने आप को म्यूटेट कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया कि फर्दर अगर वो किसी को इंफेक्ट करेगा तो वहां पर उसके लिए क्या होगा कि वो उस उन्हें इजीली से अफेक्ट कर सकता है। यानी कि मान लो वेरिएशन कॉज कर देते हैं, अपने स्ट्रेन को चेंज कर दिया इसने, पहले कुछ और था, अब उसे पता है कि मेरे पास, मैं जिस ऑर्गेनिज्म में जाऊंगा उसका भी सेम ही सेम उसे स्ट्रेन रिकॉग्नाइज करने की टेंडेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो उसने अपना जो स्ट्रेन था, उसने जो अपना जेनेटिक मटेरियल था वो थोड़ा सा म्यूटेट कर लिया ताकि कोई भी उसे रिकॉग्नाइज ना कर सकता है और इजिली से वो इन्वेड कर पाए कहीं पे भी, ठीक है। जैसे वायरस, जो कोरोना वायरस जो है फिलहाल में, वो अपने आप को म्यूटेट करा जा रहा है अकॉर्डिंग टू बॉडी की इम्यूनिटी हमारी बिल्डअप होती जा रही है, तो वो अपने आप को और ज्यादा म्यूटेट करता जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा इन्फेक्ट कर पाए। तो ये भी टेंडेंसी होती है बैक्टीरिया में, वायरस में, बहुत सारे माइक्रोनिज्म में, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करने की एक अडेप्टेबिलिटी होती है, ठीक है। डार्विन जज द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल बाय, डार्विन जो था उसने इंडिविजुअल की फिटनेस को किस वे पर जज किया था, उसने एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ, इंडिविजुअल जो अपने आप को बचा पाएगा अपने प्रेडेटर से, वो ज्यादा जल्दी, वो ज्यादा सरवाइव करेगा, स्ट्रेटेजी जो ज्यादा फूड ऑब्टेन कर पाएगा वो ज्यादा सरवाइव करेगा, या फिर जितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो ज्यादा सरवाइव करेंगे, ठीक है। डोमिनेंस ओवर अदर इंडिविजुअल, दूसरे इंडिविजुअल से डोमिनेंस, तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा, नंबर ऑफ ऑप्शन जितने प्रोड्यूस होंगे उतना ही इंडिविजुअल की फिटनेस हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ओके, नंबर ऑफ ऑप्शन प्रोड्यूस। 18 क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल से दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन इज स्टेबल एंड कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये प्रिंसिपल किसने कहा था कि एक एलील फ्रीक्वेंसी होती है एक पॉपुलेशन में, वो स्टेबल होती है, एलील फ्रीक्वेंसी स्टेबल है और कॉन्स्टेंट होती है एक जनरेशन में, तो ये बात किसने कही थी, हार्डी वेंजर ने ही कहा था, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, होमोलॉजी क्या इंडिकेट करती है, होमोलॉजी इंडिकेट करती है कि उनका सेम एंसेस्टर से डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा सेम एंसेस्टर। फिजिकल फीचर शेयर ड्यू टू इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के दौरान, यानी कि कॉमन एंसेस्टर के दौरान, वो होते हैं होमोलोगस। अगर हम एक क्लासिक एग्जाम्पल दें तो पोलिंग जो होंगे वेल्स के, ह्यूमंस के, बर्ड्स के, वो काफी डिफरेंट दिखते हैं बाहर से, दैट्स बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू अटेनिंग डिफरेंट एनवायरमेंट। वो काफी डिफरेंट क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए, क्योंकि इनका डिफरेंट काम है तो वो डिफरेंट ही दिखते हैं, ठीक है। यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड हैज रिजल्ट इन डैश मोर वेराइटी इन मच लेसर टाइम स्केल, लेस वेराइटी इन मच लेसर टाइम स्केल, रेजिस्टेंट वेराइटी मच लेसर टाइम स्केल, नन ऑफ द अबव, सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। देखें इसके बारे में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटी मच लेसर टाइम स्केल में, ठीक है, अगर हम हर्बिसाइड का या फिर इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं तो रेजिस्टेंट वेराइटी क्रिएट हो जाती है बहुत कम टाइम में, असेसिव अगर अगर हम हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो वो रेजिस्टेंट वेराइटी को सिलेक्शन करने में मच लेसर देन होता है स्केल से। ये जो एग्जाम्पल होता है ये एवोल्यूशन होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो हम ह्यूमन बींग है, हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का भी इतने बहुत तरीके से यूज करते हैं जिसकी वजह से पैथोजन जो होते हैं अपने आप को इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ह्यूमन बेस्ट ब्रीड सिलेक्ट करता है प्लांट और एनिमल्स की टू डेवलप ए पर्टिकुलर करेक्टर को डेवलप करने के लिए। नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने कहा था कि नेचर सिलेक्ट करता है जो बेस्ट सर्वाइव करेगा
और एलिमिनेट कर देता है जो यहाँ पे वीक होएगा। ठीक है, म्यूटेशन एक ऐसा चेंज होता है, परमानेंट सीक्वेंस चेंज हो जाता है न्यूक्लियोटाइड ऑफ जीन। एंड कोइवोल्यूशन का मतलब होता है दो स्पीसीज साइमल्टेनियसली इकट्ठी रह रही है, सिलेक्शन प्रेशर नहीं है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम एंथ्रोपोजेनिक एक्शन करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी करते हैं, तो क्या होता है कि काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में हम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंट वेरायटी है वो मच लेस टाइम में यूज हो जाएगी, क्योंकि हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हैं हम हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का। ठीक है, तो बैक्टीरिया वगैरह जो होंगे, प्लांट पैथोजन जो होंगे, वो अपने आप में रेजिस्टेंट वेरायटी क्रिएट करवा लेंगे विद इन वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन का आंसर है हमारा सी। तो थैंक यू फॉर दिस क्विज, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस फॉर नीट जेई। थैंक यू।